कटीमा उत्तराखंड में राणा प्रताप विद्यालय के सभागार में भारत माता की वंदना के बाद मुख्य वक्ता राम उजागर विभाग संघ संचालक ने सभी को नूतन हर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि डॉक्टर केशव राम बलिराम हेडगेवार दिखाए मार्ग पर हमें चलना चाहिए और अपनी संस्कृति भाषा संस्कार परंपराओं पर हमें गर्व करना चाहिए। आज सभी को यह प्रयास करना चाहिए देश सामाजिक आर्थिक वैज्ञानिक क्षेत्र में निरंतर प्रगति करे। कहा कि देश की उन्नति तभी हो सकती है जब हमारे अंदर देश प्रेम की भावना जागे। हमारे स्वयंसेवक श्रद्धा और समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। आज पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जाना बहुत ही आवश्यक है। यदि इसी तरह निरंतर पर्यावरण दूषित रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इसलिए हम सब का दायित्व है कि इसको स्वच्छ बनाएं और साथ ही स्वदेशी को अपनाएं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो है 87वां जन्म दिवस है। वर्ष प्रतिपदा 1925 के दिन संघ की स्थापना मोहिते के बाड़ा नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के साथ सात बाल स्वयंसेवकों के द्वारा की गई। तब से निरंतर संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर वर्ष प्रतिपदा पहले नवरात्र के दिन संघ का यह स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसमें खटीमा शहर के सैकड़ों स्वयंसेवकों के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी संघ के इस पथ संचलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी, संघ के स्वयंसेवक, सभी आनुषांगिक संगठनों के भी लोगों ने भाग लिया है। आज के इस अवसर पर हम संपूर्ण राष्ट्र को, अपने प्रदेश को, देशवासियों को, खटीमा वासियों को नव संवत्सर की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।